साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। भाई आज हम बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड। आज की डेट में मैं पहले बता दूं आपको कि आज की डेट में 8 मई की 10 फ्लाइटों का शेड्यूल था, उनमें 2300 यात्री यानी 2300 यात्री आने वाले हैं आज की डेट में इंडिया में, जिनमें से दो फ्लाइट कोची की हैं, एक फ्लाइट रात को आ चुकी है। 177 यात्री थे, दोनों फ्लाइटों में 354 यात्री इंडिया पहुँच जाएंगे, कल रात को पहुँच गए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भाई शुरुआत हो चुकी है। और साथियों मैं बता दूं भाई, बहुत बड़ा रेस्क्यू प्लान है ये, आज तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिसको प्लान बताया जा रहा है कि रिकवर करने का, कि आज तक किसी देश में इतने बंदों को एक साथ रिकवर किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसलिए भाई सोचना समझना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तैयारी देखनी पड़ती है। मैंने पहले भी बार बार बताता हूँ, एक छोटी सी घर में शादी होती है, 6 महीने से प्लानिंग कर रही होती है और माँ बाप पूरी ज़िंदगी भर प्लानिंग करते हैं कि बड़े होने के बाद हम बच्चों का ये करेंगे। तो ये तो एक अचानक से एक तरीके से बूम है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सबको रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। सब में सबसे बड़ी भूमिका गृह मंत्रालय है, विमान मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है एंड जो राज्यों के मैन जो हैं, जैसे राजस्थान अलग अलग राज्यों के सबके हैं, गुजरात महाराष्ट्र जिनके बंदे आ रहे हैं उनके भी मैन ऑफिसर वहाँ पे मीटिंग है और सब कुछ मॉनिटरेट हो रहा है, उसके सबके सामने ये सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा है। आज की बात करें तो साथियों एयर एशिया की सबसे बड़ी भूमिका थी, उनकी 7 फ्लाइट उनकी थी, 3 फ्लाइट उनकी खुद की सहयोगियों की थी, 10 फ्लाइटों से 2300 यात्री इंडिया पहुँच जाएंगे आज की डेट में। अलग अलग कंट्रियों से ये बंदे पहुँचेंगे, उनको एयरपोर्ट पर बाकायदा सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, पूरी जांच होगी, उसके बाद ही प्लेन में बैठने की उनको इजाज़त मिलेगी। बोर्डिंग पास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, अगर एन वक्त पे भी उनको लगता है स्क्रीनिंग के दौरान कि बंदे को कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, नॉर्मल बुखार सर्दी जुकाम जो भी है, तो उनके पास ये टिकट हो भाई, टिकट का पैसा लग गया तो लग गया, वो बंदा वापस रिटर्न हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आप में से किसी का नंबर आएगा, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको रिटर्न किया जा सकता है। 100% एकदम सही बंदा होगा, उसी को रिकवर करेंगे। अगर थोड़ा सा भी बीमार हो गया तो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। 7 मई से 13 मई के जो प्लान अभी स्टार्ट किया रिकवर करने का, इनको वंदे मातरम मिशन भारत नाम दिया गया है, जो बहुत बड़ा मिशन है साथियों। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे सिर्फ अपन दुबई का एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब आप समझ लीजिए कि अकेली 2 लाख दुबई है तो भाई 60-65 देशों में अपनी पॉपुलेशन रहती है, किसी में 5,000 हैं, किसी में 4,000, किसी में 10,000। रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, फ्लाइट तो भेजनी पड़ेगी, सिस्टम तो वही चलेगा, चाहे एक फ्लाइट भेजो एक कंट्री में, चाहे 10 भेजो, बात तो वही है ना। तो आप देख लीजिए, आज तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू प्लान होगा जिसमें आज तक किसी ने किया नहीं है। 2 लाख पॉपुलेशन है उनमें से, अभी जैसे हम बात करते हैं कि आने वाले 7 दिन में, 7 मई से 13 मई के बीच में 15,000 लोग रिकवर होंगे, उनमें भाई 6,500 तो औरतें हैं और वो भी गर्भवती औरतें हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ी रिस्क है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। बात मैं और बता दूँ कि दिल्ली में जो भी फ्लाइट उतरेगी, दिल्ली में जो फ्लाइट उतरने में जो भी बंदे आएंगे रिकवर होके, उनको दिल्ली क्वारंटाइन किया जाएगा। ये घोषणा हो चुकी है कि दिल्ली में जो उतरेंगे उनको दिल्ली क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये घोषणा हो चुकी है कि जो फ्लाइट जहां उतरेगी वहीं उनको क्वारंटाइन किया जाए, चाहे आप राजस्थान के हो दिल्ली क्वारंटाइन होंगे आप। और लगभग सूचना ये निकल के आ रही है कि दो आज से एक महीने पहले दिल्ली में जो जमाती जिनको एडमिट किया गया था, कोरोना संक्रमित थे लगभग 4,000, उनको वो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, उनको छुट्टी दे दी गई है, पूरा वो बेड स्पेस खाली है 4,000 सीटों का। तो जितने भी बंदे आएंगे वहीं पे उनको रिकवर करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो लगभग चांसेस वही हैं, वहीं आपको रिकवर किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। बस साथियों आज की इतनी जानकारी थी, नेक्स्ट वीडियो शाम तक जो भी आएगा आप देखिएगा, पूरी जानकारी जो भी होगी मैं आगे और अपडेट आपको देता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।